हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आप लोग का यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज से हम लोग आपको ICSE की फिजिक्स का कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है फोर्स। फोर्स आप लोगों को पता होगा, व्हाट इज़ फोर्स। जनरली अगर देखिए आपको डिफिनेशन आई थिंक पता है, फोर्स इज़ अ डैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मोशन को चेंज कर दे, मोशन को रेस्ट में लेके चला जाता है, रेस्ट को मोशन में लेके चला जाता है, जनरली ये चीज़ फोर्स होती है। कोई भी चीज़ को हिट करते हैं वो स्टॉप कर देता है, वही फोर्स है। कोई चीज़ रुकी हुई है उसको हिट कर देते हैं, वो भी एक तरह का फोर्स है। जैसे बलून देख लीजिए, बलून पे का शेप चेंज करने के लिए जो करते हैं वो भी आप एक तरह का फोर्स है। फोर्स जनरली हम लोग को जो क्लास 10 हम लोग को पढ़ना है, तो फोर्स हम लोग को जनरली टू टाइप्स की पढ़नी है। द फर्स्ट वन इज़ द ट्रांसलेशनल और लीनियर फोर्स। फर्स्ट वन इज़ द ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन, और सेकेंड है आपका रोटेशनल मोशन। देखिए क्या होते हैं, ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन होती है, जैसे कि जनरली देखिए एक सिंगल पाथ में वर्क करना। और जैसे देख लें हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन, अगर एग्जांपल देख लें मोशन वन डायमेंशन, बेस्ट एग्जांपल है आपका लीनियर मोशन का। एक सिंपल वे में मोशन करते रहना एकदम, ठीक है। जैसे कोई भी फुटबॉल है या कोई बॉल है, अगर उसको हमने सीधा फेंक दिया, एक स्ट्रेट वे में जाती जनरली जाती चली जा रही, वो आपका लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखेंगे जो चैप्टर का मेन हेडिंग है या फिर चैप्टर आपका जनरली डिपेंड है, तो चैप्टर आपका डिपेंड है रोटेशनल मोशन पर। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फोर्स जनरली देखिए टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द लीनियर एंड ट्रांसलेशनल। सेकेंड वन इज द रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन। अब देखिए लीनियर और ट्रांसलेशनल तो हमने बता दिया, मोशन वन डायमेंशन है, या फिर किसी भी थिंग को एकदम स्ट्रेट पाथ में मूव कराना आपका लीनियर मोशन, ये हो गया आपका। उसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी एक एंड से आपकी पाइवेटेड होती है, जिसके वजह से जब उसके फोर्स लगाते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर तो बॉडी आपकी रोटेट करती है, ठीक है। जो रोटेशन का मोशन होता है, जब बॉडी आपकी एक एंड से पाइवेटेड हो, उस केस में जो मोशन होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका रोटेशनल मोशन होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, डोल हो गया, डोल को जब मूव कराते हैं, डोल एक एंड से बंधा हुआ होता है, जब उसका फोर्स लगाते तो वो आपका ओपन और क्लोज होता है जनरली, वो आपका एक मोशन हो गया रोटेशनल मोशन का। और दूसरा अगर देख ले रोटेशनल मोशन का, जैसे एक मान लीजिए थ्रेड होता है, थ्रेड में ब्रिक्स का थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बांध के उसको मूव कराते हैं, वो भी आपका कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। उसके बाद देख ले जैसे कि और बहुत सी चीज़ देखें, जो चीज़ आपकी राउंड मूव होती है जनरली एक एंड से पाइवेटेड होती है, वो आपका रोटेशनल मोशन है। एग्जांपल जैसे कि व्हील देख लीजिए, व्हील भी क्या होगा आपके एक एंड से बीच से जो रहती अटैच रहती जनरली मिडिल से, और पूरा कम्प्लीटली मूव होती रहती, तो वो भी आपका एक तरह का क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। तो जो चैप्टर हम लोग का डिपेंड है जनरली, वो हम लोग का पूरा चैप्टर में हम लोग को रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है। लीनियर और ट्रांसलेशनल हमने सिर्फ बता दिया आपको, ये दो काइंड ऑफ फोर्सेस है जनरली मोशन, दो टाइप्स के इसमें पढ़ना है हम लोग को। लीनियर ट्रांसलेशनल वन डायमेंशनल था, ये आपका पूरा राउंड इसको मूव कराएंगे, वो आपका रोटेशनल हो गया। रोटेशनल के बाद जो इसमें हेडिंग आती है दूसरी, वो आती है आपकी मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग और क्या लिखते हैं, इस तरह से शॉर्ट में मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग जनरली लिखते हैं। अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। देखिए वो मिनिमम फोर्स रिक्वायरमेंट जो आपकी बॉडी को मूव कराने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे एक डोल है, और डोल का ये आपका लॉक, ठीक है, कम्प्लीटली। देखिए ये पार्ट क्या है डोल का, यहाँ से डोल हिंज है, ठीक है, यहाँ से डोल आपका लॉक है। तो आपको देखिए आप मूव कहाँ कराना पड़ेगा, आप जितनी बाहर जितनी आउटसाइड फोर्स लगाओगे उतनी फोर्स आपको कम लगानी पड़ेगी। ये देखिए अगर यहाँ से फोर्स लगाते हैं लॉक कराते हैं, आपने देखा है कभी भी लॉक हमेशा यहाँ पर लगा होता है, कभी भी किसी भी डोल में देखा लॉक बीच में नहीं लगा होता या इस साइड नहीं लगा होता, ठीक है। क्योंकि अगर इस साइड फोर्स, इस साइड अगर लॉक होगा देखेंगे आप, तो डोर ओपन करने के लिए फोर्स हमको ज़्यादा लगानी पड़ेगी,
इस केस में ज़्यादा फोर्स हमको लगानी पड़ेगी, इस केस हमको क्या करना है फोर्स कम लगानी पड़ता है, इस ये रीज़न है जिसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग इधर इसको इस साइड लाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं यहाँ से पुश करने हम लोग को आसानी होती है जनरली। ठीक है, जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा उतना ही हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जनरली देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स की डिफिनेशन क्या होती है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब इसके लिए अगर यूनिट देख लीजिए क्या हो जाएगी, फोर्स यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर। ओके, ये आपकी एस आई यूनिट हो गई। सी जी एस में देख लीजिए कौन सी हो गई, सी जी एस में फोर्स की होती है डाइन और इसकी क्या होती है सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर न्यूटन मीटर। इक्वेशन देखिए आप लोग, न्यूटन वन न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10^7 डाइन सेंटीमीटर, ये आपका दोनों में रिलेशन होता है न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर में। ओके, अब उसके बाद देखें मोमेंट ऑफ फोर्स जो हम लोग कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स आपका दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, द फर्स्ट वन इज द फोर्स एंड सेकंड वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, द फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और सेकंड क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इस दो फैक्टर पे आपका जनरली मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ फोर्स कंप्लीट हो गए। सो फैक्टर दैट अफेक्टिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स, द फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द सेकंड वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जनरली देखिए हम लोग की जो मोमेंट ऑफ फोर्स होती है हम लोग देखिए पॉजिटिव कब होगी निगेटिव कब होगी, एक होती है हम लोग की क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। जो आपकी क्लॉक वाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होती है बेटा वो आपकी निगेटिव होती है, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, और जो एंटी क्लॉक वाइज होती है, एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट ऑफ फोर्स जो होती है वो आपकी होती है बेटा पॉजिटिव। ओके, अब जैसे जनरली देखिए ये है, ठीक है, अब मोमेंट ऑफ फोर्स आपकी एक लग रही है इस साइड से और एक लग रही है आपकी इस साइड से। ओके, अब देखिए क्लॉक किस तरह से रन करती है जनरली, आपको देखिए ध्यान लगा क्लॉक इस तरह से नहीं चलती, क्लॉक आपकी इस तरह से रन करती है। ओके, जनरली तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्लॉक वाइज, और क्लॉक वाइज कैसे होता है बेटा निगेटिव होता है। अगर इस साइड से कोई भी फोर्स आपकी लगेगी तो वो आपकी निगेटिव लिया जाएगा, और इस साइड से जो फोर्स लगेगी एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज वो कैसी होती है बेटा आपकी, वो आपकी पॉजिटिव होती है। तो क्लॉक वाइज फोर्स, एंटी क्लॉक वाइज फोर्स, ये आपको समझ में आ गया। इस मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोगों ने यहाँ कर लिया है, अभी हम लोग को नेट मोमेंट ऑफ फोर्स करना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लोग को न्यूमेरिकल थोड़ा सही से समझ में आएगा, एक टॉपिक है उसको बताने के बाद फिर न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ओके, अब देखिए आप लोग जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स आपको समझ में आ गया, अब मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए आप एग्जांपल देख लीजिए। मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए एग्जांपल जैसे कि हो गया आपका फर्स्टली हो गया आपका डोर हो गया, डोर का भी हमने आपको एग्जांपल बताया था कि डोर जो है एक साइड से आपका हिंज होता है और इस साइड से इस तरह से आपका कंप्लीटली, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका लॉक लगा होता है जनरली, ये देखिए ये इस तरह से आपका लॉक लगा होता है। तो लॉक हमेशा लास्ट साइड पे लगा होता है क्योंकि कितनी मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग की कम लगे, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसको मूव कराने के लिए। सेकंड आप एग्जांपल देख लीजिए जैसे कि आपका रिंच होता है। ओके, जो रिंच होता है रिंच पे देखिए जो फोर्स लगाते हैं हम लोग, देखिए हमेशा रिंच पे जो फोर्स लगाते हैं हम लोग यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से नहीं लगाते कभी भी, यहाँ से लगाएंगे जितना उतना ही हम लोग को फोर्स कम लगाना पड़ेगा और जितना आगे जाते जाएंगे यहाँ से फोर्स हम लोग को उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपका एक एग्जाम्पल होता है थोड़ा सा। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए आप देख लीजिए ये दो एग्जांपल आई थिंक मोर देन सफिशियंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स आप यहाँ से जनरली समझ गए। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी कपल मीन्स जनरली क्या होता है, यहाँ देखिए कपल मीन्स जनरली क्या होता है, कपल मीन्स होता है पेयर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जहाँ पे पेयर की बात होती है पेयर को जनरली हम लोग कपल बोलते हैं। ठीक,
पेयर। ओके, जब दो फोर्सेस लगती, जैसे कि देखिए आपको ये कैप मूव कराना है, ये कैप आपका एक सिंगल फिंगर से मूव नहीं होगा, इसके लिए आपको डबल वाला भी उसी वाली भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो जहाँ पेयर आपको यूज़ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कपल। एक आपका दोनों आपका सेम डायरेक्शन में आपका लगने चाहिए, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में आपका लग रहे हैं फोर्स, ठीक है, तो ही वो हम लोग का मूव हो सकता है। आपका मैग्नीट्यूड दोनों का अप्रॉक्सीमेट सेम ही होता है, कपल का ज़्यादा यूज़ नहीं है। कपल देखिए, कपल होता है, और कपल के बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल में देखिए, जैसे कि एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर आपकी दो तरफ से फोर्स लग रही है, एक आपकी इस तरफ से फोर्स लग रही है, एक आपकी इस तरफ से फोर्स लग रही है, इसके बीच के अप्रॉक्सिमेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मान ले अज्यूम कर लेते हैं 5 मीटर। ओके, ये हो गया आपका। अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, आइदर फोर्स, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके ओके, मोमेंट ऑफ कपल के लिए देखिए क्या फॉर्मूला होता है, आइदर फोर्सेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच की जो कंप्लीट डिस्टेंस रहेगी उसको लेंगे हम लोग, और इवन आप इस ये फोर्स ले लीजिए या ये फोर्स ले लीजिए, दोनों फोर्स सेम ही वर्किंग आएगी आपकी। ओके, ये हो गया। अगर यूनिट देखेंगे आप इसकी भी, तो यूनिट अप्रॉक्सीमेट आपकी सेम आएगी मोमेंट ऑफ फोर्स की तरह, न्यूटन मीटर आपकी आएगी SI में, देन डाइन सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी CGS में, और अगर दोनों में रिलेशन देखेंगे 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10^7 डाइन सेंटीमीटर। ओके, ये आपका यहाँ पे कपल कंप्लीट हो गया। कपल में इससे ज़्यादा जनरली आता नहीं है, कपल की डिफिनेशन होती है, पेयर ऑफ फोर्सेस के लिए वर्किंग होती है, फॉर्मूला आइदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यूनिट आपकी ये होती है। ओके, या सो नेक्स्ट हेडिंग है इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज। बॉडी इक्विलिब्रियम मीन्स देखिए, बॉडी आपकी रेस्ट की कंडीशन पे होनी चाहिए, मीन्स नेट मोमेंट ऑफ फोर्स आपका उस टाइम पे जीरो होना चाहिए। ओके, उसके लिए देखिए दो कंडीशन होती है, द फर्स्ट वन इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, ये हैंड पर ये मार्कर रखा हुआ है, ठीक है, अब देखिए ये मूवमेंट नहीं हुआ और डिस्टेंस भी मूव नहीं हो रहा कहीं भी, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये हल्का सा ये मूव हो गया, कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये आपका जीरो हो गया स्टैटिक की कंडीशन में। स्टैटिक में वैसे भी जनरली कोई चीज़ ही बॉडी आपकी रेस्ट पे होती है, ये देखिए स्टैटिक में क्या होता है, बॉडी आपकी रेस्ट की कंडीशन में होती है, बट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बॉडी आपकी मोशन में होती है। ओके, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बॉडी आपकी मोशन में होती है। अब देखिए किस तरह के मोशन की बात है, जैसे कि जनरली एग्जांपल देख लेते हम लोग, रेन ड्रॉप। ओके, रेन ड्रॉप देखेंगे, रेन ड्रॉप जो ऊपर से आती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेट कहीं ना कहीं सेम होती है, ठीक है, जो आ रही है आपकी वो स्पीड आपकी अप्रॉक्सीमेट कहीं ना कहीं सेम हो जा रही है, इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में एक तरह का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। और जब एक्सेलरेशन देखिए, फोर्स के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, और जब आपका एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी आपकी जीरो हो जाएगी। मोमेंट ऑफ फोर्स जनरली क्या होती है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F0 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओवरऑल क्या होगा, ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट होती है, इसलिए आपका जीरो हो जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बॉडी आपकी मोशन में होती है, बॉडी मोशन में होने के बाद बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होता। जैसे बॉडी आपकी जनरली देखिए 20 की स्पीड से मूव कर रही है, तो वो 20 की स्पीड से ही मूव करती जा रही है, और एक्सेलरेशन कब होता है, जब बॉडी की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ओके, वो आपका चेंज होना चाहिए, अगर वो चेंज नहीं हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो आपका एक्सेलरेशन नहीं होगा, नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ना प्रोड्यूस होने की वजह से ये चीज़ आपकी जीरो हो जाती है जनरली, ठीक है। ये दो केस हो गए, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम का बॉडी जो रेस्ट पे होती है वो हमने आपको बताया, उसके बाद सेकेंड डायनेमिक में क्यों रेस्ट पे होती है वो बताया, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या होता है, देखिए नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जो होती है आपकी, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स होती है आपकी वो जीरो होती है। इस केस में होता है क्या आपका, जनरली देखिए क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज
इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। ओके, दोनों इक्वल आ जाती है। जब एक साइड से दूसरे साइड लेकर जाएंगे, देखिए ये क्लॉकवाइज ये प्लस में होती है या ये वैल्यू माइनस में, ये वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू को जब उस साइड लेकर जाएंगे ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज फोर्स माइनस एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, ये क्या हो जाता है आपका, ये कहीं ना कहीं जीरो हो जाती है। तो नेट फोर्स हमेशा क्या होती है इसमें, जीरो ही होती है। ये आप देखेंगे नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में जीरो हो जाती है। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का क्या होता है, जो फोर्स आपकी इस साइड से लग रही है वही फोर्स आपकी इस साइड से भी लगती है, तो क्या होता है नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाता है। इससे मान लीजिए ये रॉड है, इस रॉड पे एक पर्सन को, एक पर्सन इस साइड से हैंग हो जाता है और एक पर्सन इस साइड से हैंग हो जाता है, दोनों का जो वेट होता है वो इक्वल होता है। तो ये मूव होगा उस केस में, नहीं मूव होगा। अब जो ये मूव नहीं होगा वही पर्टिकुलर केस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट्स द केस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के साथ साथ आपको जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का वो अप्रॉक्सीमेट यहीं पे ख़त्म हो गया, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल आता है, देन सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है चैप्टर का। ओके, उम्मीद है वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी और चैनल पर बने रहिए क्योंकि आगे वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके।